हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आया हुआ हूँ प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा फ्यूचरिस्टिक संग्रहालय बनाया हुआ है। अब यहाँ पर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। और जो टिकट का प्राइस है वो 100 रुपीज़, अगर आप वीकेंड पर आते हो तो 100 रुपीज़ पड़ता है, अगर आप वीकडे पर आते हो तो 50 रुपीज़ पड़ता है। और जो एक्टिविटीज़ हैं वो 50-50 रुपीज़ है। और हाँ, जो हेलीकॉप्टर राइड थी वो सिर्फ 100 रुपीज़ है। और जितने भी एक्टिविटीज़ आप प्राइम मिनिस्टर्स के साथ वॉक और उनके साथ सेल्फी या फोटोज़ वगैरह जो भी हैं। अभी मैं आ चुका हूँ टाइम मशीन के अंदर। टाइम मशीन में दिखाया जाता है कि ऐसे पूरा टाइम इंडिया का बताया जाता है कि इस समय में इंडिया ने ये प्रोग्रेस किया है। तो अभी आप देख सकते हैं टाइम मशीन। अंडर प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह, इंडिया साइन द 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन 11th October 2008। India agreed to separate its civil and military nuclear facilities, and the United States agreed to provide full civil cooperation, acknowledging that India was a responsible member of the world's nuclear power. In 2018, India's first nuclear-powered ballistic missile submarine, INS Arihant, completed its first deterrence patrol. With that, India joined the list of nations with nuclear triad, the capability to launch missiles from land, air, and undersea. In June 2017, Prime Minister Narendra Modi approved the construction of 10 indigenously developed 700 megawatt pressurized heavy water reactors, PHWRs, in fleet mode. The Department of Atomic Energy's non-nuclear... यहाँ पर आप अपना विजन भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जैसे कि स्टेप पर अपना लिख के मैसेज, तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा वो मैसेज। मैं भी करता हूँ अपना मैसेज रिकॉर्ड। ये लेटर मिला मेरे को प्रधानमंत्री जी से, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर और यहाँ पर मेरा नाम। स्वागत है देवियों और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं, आज आप एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। ये है शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है।
रेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है, जो तटीय नौवहन और अंतरदेशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति के वास्तुकार मोहनदास करमचंद गांधी अथवा महात्मा जिस नाम से दुनिया ने उन्हें पहचाना, उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर संघर्ष को आकार दिया, जिन्हें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्य शक्ति के दर्शन के रूप में विकसित किया था। प्रतिरोध की पूर्व प्रयुक्त पद्धतियों से जनवरी 1915 में भारत लौटने के बाद महात्मा स्पष्ट थे। पूरा ऑडिटोरियम शास्त्री जी को डेडिकेट है, जैसे कि अभी ताशकंद का पूरा जिक्र किया गया इधर, कैसे उनकी डेथ हुई थी, इसमें शास्त्री जी के पूरे सामान वगैरह जो भी उनके पास था, उनका नारा था जय जवान जय किसान, तो ऐसे ही पूरा ऑडिटोरियम ये शास्त्री जी को डेडिकेट किया हुआ है। पूरा ऑडिटोरियम इंदिरा गांधी जी को डेडिकेट है, जैसे कि इसमें वॉर का दिखाया था जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुई थी वॉर। और अब जो इसके अंदर इमरजेंसी का पूरा दिखाया हुआ है, इमरजेंसी आपातकालीन जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी डेमोक्रेसी की, हत्या की थी, तो वो इसमें पूरा दिखाया हुआ है। ऐसे जेल में लोगों को डाला था, रेडियो पे इन्होंने अपनी सूचना दी थी। जैसे कि आप नाम से पता कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय, तो इसमें पूरा स्टार्टिंग से लेकर अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में और उनके अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं, जैसे कि अभी मैं इंदिरा गांधी जी के
ऑडिटोरियम में हूँ, तो यहाँ पर पूरा इंदिरा गांधी के बारे में और एमरजेंसी के बारे में सब कुछ, पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सब कुछ पूरा विस्तार से बताया हुआ है। और ये मेरे पीछे पूरा दिखाया हुआ है इंदिरा गांधी जी का घर, जहाँ पर उनके आवास पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको गोली मारी थी, तो ये पूरा उसी के ऊपर डेडिकेट है। इसमें टाइमिंग वगैरह दी रखी कि इस टाइमिंग पर इनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने इनको शूट किया था। अब हम इंदिरा गांधी जी का ऑडिटोरियम देख लिया है और लाल बहादुर शास्त्री जी का देख लिया है, अब ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। ये मोरारजी देसाई का ऑडिटोरियम है सामने। लिखा प्लीज 1 dial 2 वीडियो, तो अभी वीडियो के लिए डायल करते हैं 1। ये वीडियो स्टार्ट हो गई है और इसके अंदर पूरी वीडियो सारी जैसे आप सुन सकते हैं। In the mid 1980s, वर्किंग में पूरा फोन श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्याधुनिक 21वीं सदी के भारत के लिए अपने सपने को साझा किया। But the unsuspecting taxis have taken other passengers. Mumbai police personnel mobilized rapidly as they became aware of this unprecedented calamity. ये पूरी की पूरी अर्थ मैग्नेटिक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है और ये हवा में है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचरिस्टिक के साथ दिखाया हुआ है और ये मैग्नेटिक के साथ कोई एनर्जी वगैरह लगाकर, तो बीच में लटकी हुई है ये पृथ्वी। बिल्कुल बहुत सुंदर लग रही है और फ्यूचरिस्टिक के साथ दिखाया हुआ पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इन्होंने, बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है। और अभी इसमें फ़िलहाल हाल फिलहाल में काम भी चल रहा है, अभी ये और ज़्यादा इसको और बड़ा बनाने के लिए सोच रहे हैं और अभी इसमें काम चला हुआ है। तो जैसे कि पूरा अशोक स्तंभ ये भी मैग्नेटिक है, इसके ना तो कुछ नीचे और ना कुछ इसके ऊपर है, ये पूरा मैग्नेटिक ऐसे घूम रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसके बीच में भी और उसके ऊपर भी। ये भी पूरा मैग्नेटिक
से जुड़ा हुआ है। और ये जो सामने हेलो लिखा हुआ है, ये 42 लैंग्वेज में हेलो लिखा हुआ है, जैसे कि कन्नड़, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू वगैरह, इन सभी में 42 लैंग्वेज में हेलो लिखा हुआ है। यहाँ पर ये हेल्प डेस्क है इधर। इस बिल्डिंग में नेहरू जी रहा करते थे उस टाइम पर। तो इस बिल्डिंग में पूरा पूरा नेहरू जी का सामान वगैरह, उनका कमरा और ऐसे पूरा उन्हें किचन वगैरह, पूरा जैसे एक घर होता है वैसे ही है। और क्योंकि ये नेहरू जी का पहले घर ही था। ये पूरी बिल्डिंग पहले नेहरू जी के घर में थी। तो पूरी बिल्डिंग नेहरू जी का घर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसमें सभी चीज़ें, नेहरू जी का कमरा, नेहरू जी का ड्रेसिंग रूम, नेहरू जी की हॉल वगैरह सब इस बिल्डिंग के अंदर है। और बहुत सुंदर बिल्डिंग है, जैसे कि लगी रहा कि हाँ किसी प्रधानमंत्री का घर था। प्रधानमंत्री जी को जितने भी कंट्री से गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, तो वो सभी यहाँ पर प्लेटेड किए हुए हैं। जैसे कि ये मेक्सिको से मिले हुए हैं प्रधानमंत्री जी को, ये रिपब्लिक ऑफ माल्टा से मिला हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये सभी गिफ्ट्स वगैरह इसमें प्रधानमंत्री जी को मिले हुए हैं अलग अलग कंट्रीज से। जैसे कि ये श्रीलंका से मिली हुई है प्लेट्स और ग्लास वगैरह, बहुत सुंदर प्लेट है। और ये सेट प्लेट्स का थाईलैंड से मिला है नरेंद्र मोदी जी को। अरे ये तो यार बहुत सुंदर है। ये जापान, वियतनाम, रशिया, ये सभी गिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले हुए हैं अलग अलग कंट्री से। जैसे कि ये जापान से, ये वियतनाम से और ये रशिया से, ये यहाँ पर लिखे भी हुए हैं। और ये तो भाई, ये तो और सुंदर है। ये वुड से, शायद वुड के ऊपर, ये लकड़ी के ऊपर बनाया हुआ है। ये मिला है रवांडा से। और ये आगे देखिए, सबमरीन्स वगैरह, बोट्स वगैरह, कुवैत, ओमान, रशिया, और ये भी रशिया से। ये स्टैचू मिला हुआ है इंडोनेशिया से, ये डॉल रशिया से, और ये जार टाइप कुछ ये मालदीव।
ये गिफ्ट मिले हुए हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, अलग अलग कंट्री से, जैसे रशिया, यूएसए, यूक्रेन, ये उज़्बेकिस्तान से, ये मंगोलिया से स्टैचू, और ये तो यार लाजवाब है, बहुत सुंदर लग रही है। तो ये मिला है मॉरिशस से। ये साउथ अफ्रीका से। ये इंदिरा गांधी जी का बेडरूम। ये सभी तोशखाना, जो भी गिफ्ट वगैरह जो भी उन प्राइम मिनिस्टर को मिलते थे वो अभी अपने साथ ही ले जा सकते, उन्हें रिटायर होने के बाद या पद से हटने के बाद जमा करवाना पड़ता है, तो वो अभी सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। अभी और आगे चलते हैं। यहाँ पर भी अरे नेपाल से, ये मेरे को हाथी के दांत लग रहे हैं। ये जो भी सामान आपको यहाँ पर दिख रहा है सारा सामान स्कल वगैरह से बनाया हुआ है, जैसे कि अभी आगे दिखाता हूँ। ये स्कल है, हाथी के दांत का स्कल है, ये उससे बनाया हुआ है ये पूरा सामान। ये मिला हुआ है गिफ्टेड में म्यांमार से। और ये मिला हुआ है चाइना से। और ये मिला हुआ है यूएसएसआर से। और ये चाइना से, किसी को नहीं पता हो तो जो भी स्टूडेंट्स वगैरह होंगे उन्हें पता होगा, यूएसएसआर पहले रशिया था। यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट है, अगर मैं सभी को दिखाता हूँ तो ये वीडियो कम से कम एक या दो घंटे ही हो जाएगी, तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट हैं। ये भारत रत्न जो कि नेहरू जी को मिला था। सिटिंग रूम है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिटिंग रूम है। यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट्स वगैरह आ सकते हैं, उनको उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, जैसे स्टडीज़ वगैरह में फ्यूचर्स की और पॉलिटिक्स वगैरह की बात चलती हैं, तो इसमें स्टार्टिंग से लेकर नेहरू जी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे किस उनके कार्यकाल में क्या हुआ था,
और जो ये आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग पहले नेहरू जी का घर हुआ करती थी। तो इसमें सभी जो भी गिफ्ट वगैरह मिलते थे प्राइम मिनिस्टर को अपने अपने यहाँ पर विजिट करते थे अलग अलग कंट्रीज़ में, तो वहाँ से जो भी गिफ्ट मिले हुए हैं तो वो सभी के सभी ज़्यादातर सभी गिफ्ट यहाँ पर रखे हुए हैं। आप उनको भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट्स है, वीडियो में आपने देखे होंगे। तो जैसे और ये यहाँ पर पूरा अच्छा पार्क वगैरह, पूरी अच्छी बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग जैसे कि आप देख रहे हो पूरी ऐसी लग रही है जैसे फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है। तो इसी बिल्डिंग के अंदर भी मैं गया था, तो बहुत सुंदर और एडवांस्ड बिल्डिंग जो है ये बना रखी है, इसमें पूरा पूरा सभी बहुत सुंदर पूरा दिखाया हुआ है कैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। और ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है बहुत ज़्यादा, ये नेहरू जी के टाइम की बिल्डिंग है। इसके इस बिल्डिंग में तो जो भी उनके हॉल वगैरह, कमरे, ड्राइंग रूम, बेडरूम, सिटिंग रूम, तो वो इसमें है, वो दिखा रखा है। और जो भी गिफ्ट्स वगैरह अलग अलग कंट्री से मिलते हैं तो वो सभी गिफ्ट इसमें है। और एक जो मैंने यहाँ पर नोटिस की वो बात, यहाँ पर लोकल्स वगैरह बहुत कम है, ज़्यादातर साउथ इंडियंस लोग यहाँ पर विज़िट किए हुए हैं देखने के लिए। मैंने बहुत कम यहाँ पर लोकल देखे हैं, ज़्यादा साउथ इंडियंस और कुछ फॉरेनर्स भी हैं। और इसी जगह पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है, लेकिन वो होता है रात को। अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं जो मैं रात को भी रुकूं, तो अभी मैं चलता हूं, मेरे को दूर भी जाना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पर आने का मौका बिल्कुल ना गंवाएं स्टूडेंट्स, खासकर जो स्कूल 10th 12th क्लास में हैं उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, उनकी स्टडी को स्टडीज़ के लिए भी, जैसे कि वो पता कर पाएंगे कि हाँ भाई इस तरह प्रकार के प्राइम मिनिस्टर वगैरह हमारे यहाँ पर, पूरी उनकी बारे में और वहाँ पर चीज़ वगैरह बिल्कुल अच्छे से फ्यूचरिस्टिक के साथ समझाया गया है, बहुत सुंदर है। आई होप आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होंगी, अगर पसंद आती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ, थैंक यू वीडियो पूरी देखने के लिए।